ऑनेस्टली इस बार मेरी कोई तैयारी नहीं है. आई एम टू बिजी वर्किंग दिस टाइम. मेरी शॉर्ट फिल्म्स की शूटिंग चल रही है, फिर उनकी एडिटिंग चल रही है, पोस्ट प्रोडक्शन गोइंग ऑन ऑफ माई फीचर फिल्म. सो देर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क गोइंग ऑन. आई एम वर्क स्टार्टिंग अ न्यू वेब सीरीज, सो उसकी स्टोरी सेटिंग्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज आई हैव माई ओन प्रोडक्शन हाउस नाउ. आई एम नॉट जस्ट एन एक्टर. सो मेरी जॉब बढ़ गई है. जी, इट्स ऑन अ वेरी इनिशियल स्टेज, बट इट्स आई कैन से इट्स अ हाई, इट्स ड्रामा. या दैट्स व्हाट आई कैन कॉल इट, लाइक क्रिमिनल ड्रामा. या ओके, क्रिसमस की बात करें तो आपकी कोई ऐसी कोई खास मेमोरी से जुड़ी हुई जो आपको अभी भी याद आती हो क्रिसमस के दिन? एक तो मुझे सबसे गिफ्ट जो मिलते हैं वो तो बहुत याद रहते हैं ऑब्वियसली. बट लास्ट ईयर मेरा सबसे यादगार क्रिसमस था, बिकॉज आई वेंट टू लंदन, एंड इतना खूबसूरत था वो देखने के लिए कि मैं बता नहीं सकती आपको. अगर आपको कभी वक्त मिले और यू नो बहुत पैसे हों तो आप प्लीज़ जाइएगा. ये पैसे तो ज़रूरी हैं, एक्चुअली बहुत भी नहीं ज़रूरी हैं. इफ इवन इफ यू हैव अ लिटिल बिट यू कैन ट्रैवल. भाई मेरा सेंटा मैं ही हूँ. मैं सबके लिए सेंटा हूँ एक्चुअली. लिटरली माई फ्रेंड्स कॉल मी सेंटा क्लॉज. बट नो नो, आई हैव ऑल माई फ्रेंड्स. दे ऑलवेज गिव मी अ लॉट ऑफ लव, एंड आई थिंक मेरे फियांसे मेरे सेंटा हैं. वो मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लाते हैं. कौन सा सबसे अच्छा क्रिसमस रहा होगा? लास्ट ईयर जैसे कि मैंने आपसे कहा, मैं लंदन गई थी और मुझे बहुत मज़ा आया उस वक्त. इट्स ब्यूटीफुल टू सी समथिंग एल्स. मैं देखना चाहूँगी क्रिसमस इन बुडापेस्ट. मैंने सुना है वहाँ बहुत अच्छा होता है. वियना वन ऑफ माई फेवरेट सिटी है एनी वेज. तो मैं वहाँ क्रिसमस देखना चाहूँगी. और या आई थिंक ये दो जगह तो एटलीस्ट देखना चाहिए. एंड न्यूयॉर्क. या शॉर्ट फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे आपने? जी जी, मेरी प्रोडक्शन की का पहला हमारा प्रोडक्शन है जिसका नाम है अब्दिल की सुन. सो इसमें इस सीरीज़ के तहत 7 शॉर्ट फिल्म्स हैं अभी तक. मोर देन अ शॉर्ट फिल्म, इट्स अ काइंड ऑफ मूवमेंट टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी, टूवर्ड्स सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. You know, I always wanted to do something for people who are suffering through depression and mental illnesses, which I think is 100% of all of us. I don't think there is anybody left anymore. And I because I'm a part of it, I've gone through it, and I realize why do people get into all this? Why does this thing happen to us? Why some are born with it, but उसकी अगर आप हिस्ट्री भी देखें तो वो भी इंसानों से ही आती है और कहीं से नहीं आती है. आपके माता पिता भी इंसान थे, उन्होंने भी कुछ मेंटल ट्रॉमाज बर्दाश्त किए होंगे, तो उसका असर आप पे पड़ा है. सो इट्स अ लॉन्ग 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 हिस्ट्री, प्रॉब्ली फ्रॉम द टाइम वी वर बॉर्न. मुझे नहीं पता उस वक्त किस तरह की लाइफ होती थी, बट आजकल की जो हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ है, जो इतना स्ट्रेस फालतू में बढ़ गया है, आई बिलीव कि उसे बढ़ाने वाले और कोई नहीं है सिवाय हमारे. आई थिंक वी इल ट्रीट ईच अदर, वी लिटरली हैव फॉरगॉटन दैट वी आर ह्यूमन बींग्स. सो आई थॉट इट वुड बी नाइस टू मेक समथिंग जिससे आप जो आपके दिल में एक सवाल पैदा कर सके, जो सवाल आपको इंट्रोस्पेक्ट करने पर मजबूर कर दे. दैट्स व्हाट ईच फिल्म इज़ अबाउट. सोशल मीडिया के बारे में जानना चाहूँगा, कितना अच्छा प्लेटफॉर्म हो चुका मैसेज कन्वे करने के लिए, तो शॉर्ट फिल्म ले लीजिए या वेब सीरीज ले लीजिए, किसी को प्रूफ करना है ऑन द स्पॉट रिजल्ट भी. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट हैं आप. सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि हर इंसान को आज जुबान मिल गई है, हर इंसान को एक प्लेटफॉर्म मिल गया है. आज आपको किसी और पर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं. अगर आपके पास एक छोटा सा फ़ोन है और आपने कोई अच्छा कॉन्टेंट शूट कर दिया, पीपल विल लाइक इट, बिकॉज आई थिंक लाइफ इज़ मूविंग टूवर्ड्स मोर रियलिस्टिक रियलिटी देन फिक्शन. यू नो, पहले के ज़माने में मेलोड्रामेटिक फिल्में बना करती थी और बड़े बड़े स्टार्स एक्टिंग भी उसी तरह से किया करते थे और लोगों को पसंद आता था क्योंकि वो उस ज़माने की डिमांड थी. बट आजकल आप देखें, यू नो, हमारा मेकअप कम से कम होता जा रहा है, हमारे बाल भी एकदम सिंपल होते जा रहे हैं, एवरीथिंग इज़ बिकम वेरी नेचुरल एंड मोर रियल ओरिएंटेड. सो या, सो दिस इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. एट द सेम टाइम the side effects of it are also very very bad, because I feel के अब सबको ज़बान मिल गई है, आपको पता चलता है कि कितने बेसब्रे थे लोग कुछ बुरा कहने के लिए किसी को. I literally sometimes I wonder like ये यार इतना बुरा कोई किसी के बारे में सोच भी कैसे सकता है, या बोलना तो दूर की बात है, वो भी उनके पेजेस पर जाके लोग कॉमेंट करते हैं.
it really shakes me. So it really makes me wonder कि कहाँ जा रही है humanity, कहाँ क्या किस दिशा में हम बढ़ रहे हैं. सो जो चीज़ आपको बहुत फ़ायदा देती है उसके नुकसान भी बहुत हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज़ कॉन्ट्रडिक्टरी इन लाइफ. नाउ यू हैव टू चूज कि आप उससे फ़ायदा करेंगे कि नुकसान, यू नो. कभी आपने प्रॉब्लम फेस की ऑनलाइन मीडिया के लिए? आई मीन यू नो करते हैं, आई थिंक सभी के पेजेस पे कोई ना कोई जाके कुछ ना कुछ ऐसा लिखता है. पहले एक दो बार मैंने जब पढ़ा तो मुझे बहुत गुस्सा आया, बट फिर मैं वो इंसान हूँ जो बहुत पहले सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ कि ये क्यों आ रहा है मुझे गुस्सा, उससे पहले मैं रिप्लाई करूँ किसी को. सो आई थिंक एक दो बार मैंने रिप्लाई भी किया, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार क्या फ़ायदा क्या है, क्योंकि ये इनकी आदत है, ये नेगेटिव एनर्जी फेंक रहे हैं और मैं ले रही हूँ, तो अगर मैं लूँ ही नहीं तो मुझे लगेगी ही नहीं. तो मैंने आजकल वो माई सैंटा क्लॉज जस्ट फेल्ट आई यू नो, जितना आप एक नेगेटिव एनर्जी को अब्सॉर्ब करने की उन्हें ताकत देंगे वो उतना ही आप पे नेगेटिव हावी होंगे. तो आई फील मैं आजकल जब पढ़ती हूँ किसी को जो मुझे नहीं लगता अच्छा, स्पैम सीधा स्पैम कर देती हूँ. सो ऐसे यू नो उससे ज़्यादा वो मुझे अफेक्ट नहीं करते और वो ना ही वो मुझे मैटर करते हैं, बिकॉज वो मुझे जानते नहीं हैं. सो बट इसके लिए अपने आप को जानना पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज आप बहुत अफेक्टेड होंगे. आई जस्ट वॉन्ट टू विश ऑल द व्यूअर्स मेरी 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 क्रिसमस एंड मे यू गेट लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स दिस ईयर. आई बिलीव इन मैजिक, सो आई बिलीव इन सांता क्लॉज. थैंक यू.